ओम ज्ञानतिमिरांध्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। ये एक श्लोक जो है ये बहुत ही सुंदर है। श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भक्ति योगा के विषय में समझा रहे हैं। हमने भक्ति के विषय में बहुत कुछ सुन चुके हैं, लेकिन यह सुंदर श्लोक है। एषा बुद्धिमतां बुद्धिर् मनीषी मनीषा च मनीषिणां। एषा बुद्धिमतां बुद्धिर् मनीषा च मनीषिणां यत् सत्यं अनृत्यनेह मर्त्येन आप्नोति अमृतम्। इसका कहने का अर्थ यह है कि ये भक्ति जो विधि है, नवविधा भक्ति कहो या भक्ति के सब अंग कहो, ये इतना सुंदर विधि है कि इस विधि को जो अपनाता है वो बुद्धि से, मतलब क्या, होशियार से भी होशियार व्यक्ति है। जो भक्ति को अपनाता है, भक्ति के अंगों के माध्यम से भगवान की सेवा करता है, जिसे हम अहितु की भक्ति कहते हैं, अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस बिना किसी हेतु के, तो ये विधि जो भी अपनाता है वो होशियार से भी होशियार व्यक्ति है। क्योंकि मतलब सबसे विवेक का इस्तेमाल कर रहा है, बुद्धि में भी वो विवेक का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्, बुद्धिशाली व्यक्ति से भी मतलब कहने का अर्थ है कि बुद्धि से भी अधिक बुद्धि जो है, जिसे विवेक कहते हैं हम, जो इस्तेमाल कर इस विधि को अपनाता है वो होशियार से भी होशियार व्यक्ति है। क्यों? यहां पे कहा गया यत सत्यम अनृत्यनेहा मर्त्येना आपनोति, मतलब टेम्पररी शरीर, ये शरीर टेम्पररी है, अनित्य है, क्षणभंगुर के लिए है, कुछ समय के लिए शरीर है, बट इस शरीर के माध्यम से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? माम अमृतम, मतलब मैं जो एटर्नली एग्जिस्ट करता हूं, अनित्य शरीर से भी नित्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? शरीर अनित्य है, कुछ समय के लिए है, लेकिन इस शरीर के माध्यम से भी अगर इस विधि को जो भी अपनाता है वो कितना बुद्धिशाली होगा,
कि अनित्य स्वभाव को प्राप्त करता है, सॉरी नित्य स्वभाव को प्राप्त करता है, अनित्य शरीर के माध्यम से नित्य स्वभाव को प्राप्त करता है। आप समझ रहे हैं? तो ये टेम्पररी शरीर के माध्यम से भी एटर्नल ऑब्जेक्ट जो है भगवान की प्राप्ति हो सकती है या होती है, मगर क्या है, बुद्धि से भी बुद्धिशाली व्यक्ति जो है, जिसको हम बुद्धिशाली व्यक्ति कहते हैं, होशियार से होशियार व्यक्ति, वही जो है इस विधि को अपना सकता है। मतलब या इस विधि को अपनाने वाला व्यक्ति होशियार से भी होशियार है, क्योंकि ऐसा होशियार व्यक्ति ही समझ सकता है कि अनित्य शरीर जो मेरा शरीर नित्य नहीं है, भौतिक शरीर, इस माध्यम से भी मैं नित्य अवस्था को प्राप्त कर सकता हूं। नित्य अवस्था मतलब मेरी नित्य अवस्था क्या है, भगवान की सेवा करना, जो अत्यंत आनंददायक है, और उस भगवान की सेवा जो नित्य है। यहां पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बताते हैं कि इतनी सुंदर विधि और इतनी सुंदर अवस्था या लेवल को प्राप्त करने की जो मतलब प्रयोजन जो है, ये करने की जो चाह है, ये होते हुए भी कुछ कुछ भक्त लोग, या हमें देखने मिलता है कि ऐसे नित्य विधि को, मतलब भक्ति नित्य है, नेचुरली भक्ति नित्य है और नित्य अवस्था को प्राप्त कराता है, या भक्ति स्वाभाविक है, आत्मा का नित्य स्वभाव है भक्ति, भगवान की भक्ति जो भगवान को प्राप्त कराती है, और इस अनित्य शरीर से मतलब टेम्पररी शरीर से भी प्राप्त करवाते हैं, फिर भी कुछ बुद्धू लोग ऐसे होते हैं या मूर्ख लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के इस भक्ति की विधि अपनाने के बावजूद भी इससे ये प्राप्त करना चाहते हैं कि मैं भक्त बनूंगा तो मुझे लोग पूछेंगे, आदर करेंगे, कुछ मैं क्लासेस सुंदर भगवद गीता का प्रवचन दूंगा, भागवतम की कथा करूंगा तो लोग मुझे आदर करेंगे, मेरे पैर छुएंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा या मेरी कीर्ति बढ़ेगी, ऐसे कुछ भक्त लोग भी सोचने लगते हैं। हाँ, ये विधि को भक्ति भक्ति को अपनाने से देखो, हाँ ये सन्यासी है, हाँ ये इतने सुंदर भक्त है, इनकी कीर्ति कैसी बढ़ी है देखो, तो मैं भी ऐसा सुंदर क्लासेस प्रवचन देने लगूंगा तो मेरी भी कीर्ति बढ़ेगी, लोग मुझे पूजने लगेंगे, वाहवाह करने लगेंगे, कितना सुंदर लेक्चर देता है, कितना सुंदर कथा करता है, ऐसे सोचने लगेंगे, और इस तरह से मुझे धन की प्राप्ति भी होगी, मेरा फेम बढ़ेगा, मेरी कीर्ति बढ़ेगी, मेरा ऐश्वर्य बढ़ेगा, मेरा मान बढ़ेगा, सम्मान मिलेगा मुझे, ऐसे सोचकर भक्ति करना श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये मूर्खता है। क्योंकि यहां पे बताया गया है कि इस शरीर के माध्यम से जब अपने निजी स्वार्थ से या फेम या वॉट एवर जो भी हम बढ़ाना चाहते हैं, कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं, ऐश्वर्य बढ़ाना चाहते हैं, सम्मान अपना बढ़ाना चाहते हैं, ये टेम्पररी है,
शरीर चला जाने के बाद कुछ समय के बाद यह नष्ट होगा, आपकी कीर्ति, आपका ऐश्वर्य, आपका सम्मान सब खत्म हो जाएगा। तो जो भक्ति नित्य है उससे टेम्पररी प्राप्ति क्यों चाहिए? है कि नहीं? भक्ति में आने के बाद भी कभी कभी हमें सोचने लगते हैं ऐसा, वो भक्ति के माध्यम से देखो ये व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो इसकी कितनी कीर्ति बड़ी है, कितने लोग वाहवाह करते हैं, कितना नाम हुआ है उसका। ये भी टेम्पररी है, ऐसा सोचकर भक्ति करना या मुझे कुछ प्राप्त हो, कुछ लोग मेरी सम्मान करें, इस भाव से भक्ति करना ये मूर्खता है। क्या कहा गया? एषा बुद्धिमताम बुद्धिर मनीषी मनीषा च मनीषीणाम यत सत्यम अनृतेनेहा मर्तयेना आपनोति माम अमृतम। मर्तयेनेहा मतलब मृत्यु प्राप्त करने वाली शरीर या मरने वाला या कुछ समय के रहने वाला शरीर जो है, इस शरीर के माध्यम से भी जब भक्ति प्राप्त हुई है, जिससे ये शरीर के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, इसका अर्थ है अनित्य से नित्य प्राप्त हो सकता है भक्ति के माध्यम से, फिर भी कुछ लोग या कुछ भक्त ऐसे हैं कि जो प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, वो साइड में रह जाता है और उनको लगता है अन्यों को देखकर कि भक्ति करने से मुझे सम्मान मिलता है, मुझे ऐश्वर्य मिलता है, मुझे लोग मान देते हैं, धन देते हैं, पूजा करते हैं, मेरी कीर्ति बढ़ जाती है, एक तो दुर्लभ है भक्ति प्राप्त होना। और इस मनुष्य शरीर के मतलब मनुष्य शरीर के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करना, इस विधि से भगवान सुलभ कर दिए हैं कि जो हर हमेशा के लिए रहने वाला ये शरीर नहीं है, और भक्ति के माध्यम से उसे ऐसा शरीर नित्य प्राप्त होने वाला है आगे चलकर, जो नित्य भगवान की सेवा करता है या करने वाला है। जब इतना सुंदर और इतना उच्च कोटि का मतलब इतने हाई लेवल की मतलब भाव जो है भगवान की सेवा ये प्राप्त करवाने वाली भक्ति, फिर भी भक्त लोग कभी कभी ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जिससे वो एक तुच्छ चीजें प्राप्त करने की इच्छा करता है, मान सम्मान ये सारी चीज, तो ये मूर्खता है ऐसा कहा गया। इसीलिए अहैतु की भक्ति पर ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि जो भी आप प्राप्त करोगे भक्ति के माध्यम से भी ये इच्छा रखकर, क्योंकि अन्य लोगों को मान सम्मान मिल रहा है और मुझे भी भक्ति करने से मिलेगा ये इच्छा रखकर करने वाले व्यक्ति जो है ये मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं है। इसीलिए अहैतु की भक्ति पर जोर दिया जा रहा है कि ऐसे भी ये शरीर नष्ट होने वाला है, आप जो भी प्राप्त करोगे भक्ति के माध्यम से भी इस शरीर से संबंधित या अपने निजी स्वार्थ से संबंधित वो नष्ट होने वाला है। क्यों नहीं इस अनित्य शरीर से हम उच्च स्थिति या नित्य भगवान का प्रेम जो है वो प्राप्त करने में क्यों ना लगाए?
इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जो भारत वर्ष में जन्मा हुआ है या जो भारत वर्ष में जन्म ले चुका है, उसकी बुद्धि निश्चित रूप से बुद्धिशाली से भी बुद्धिशाली होना चाहिए या होशियार से भी होशियार होना चाहिए। ये व्यक्ति जो भारत वर्ष में जन्म लिया है उसका सोच ऐसा ही होना चाहिए कि मैं अहितु की भक्ति करूं, भक्ति कर मुझे भगवान के प्रेम के अलावा या भगवान के प्राप्ति के अलावा इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। कोई भक्ति के माध्यम से प्राप्त होने वाला सम्मान भी नहीं चाहिए, भक्ति के माध्यम से प्राप्त होने वाला मुझे ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, कोई कीर्ति भी नहीं चाहिए। ऐसे भाव से जो भक्ति करता है उसे निश्चित रूप से भगवत प्रेम प्राप्त होता है और वही व्यक्ति होशियार से होशियार है। यहां पे कहा गया दिस प्रोसेस इज द सुप्रीम इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट एंड द क्लेवरनेस ऑफ द क्लेवरेस्ट। बहुत सुंदर रूप से लिखा हुआ यहां पे, बिकॉज बाय फॉलोइंग इट वन कैन मेक यूज ऑफ दैट विच इज टेम्पररी एंड इल्यूजन। मतलब ये शरीर कुछ समय के लिए टेम्पररी है और ऐसे भी इल्यूजन माया के माध्यम से ये प्राप्त किया वो शरीर है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से और भगवान के भक्तों की कृपा से ऐसे अनित्य शरीर के माध्यम से भी नित्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। वो है भगवत प्रेम, भगवान की सेवा, क्योंकि भगवान नित्य है। तो ऐसे सुंदर शरीर का उपयोग बुद्धिशाली व्यक्ति जो है, इंटेलिजेंट से भी इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है वो इस शरीर का ऐसा सदउपयोग करता है। तो हम तो शुरुआत में भक्ति करने के लिए आते हैं, यस भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, हम एंटर तो करते हैं भक्ति में ऐसा बहुत सुंदर भाव से, निस्वार्थ भाव से अच्छी तरह से सेवा भी करने लगते हैं, ये भी करने लगते हैं। फिर बाद में होता ऐसे अन्य वरिष्ठ भक्तों के पोजीशंस को देख के, उनके सम्मान को देख के, फिर हमारी बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट होने लगती है कि मुझे भी ऐसा सम्मान प्राप्त होना चाहिए, मुझे भी ऐसा मान मिलना चाहिए, लोग मुझे पूछना चाहिए ऐसा। फिर मनुष्य माया बहुत प्रभावशाली है, भक्तों को भी नहीं छोड़ती है। इसलिए इसे कहा गया है कि होशियार से होशियार व्यक्ति वो है, भक्ति में आना निश्चित रूप से बुद्धिशाली है या होशियारी है, लेकिन आने के बावजूद वापस माया के इन सारे चीजों को देखकर माया के प्रति वापस आकर्षित हो जाता है, मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए ऐसे, और फिर ठगा जाता है और उसे भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता है, भगवत प्राप्ति नहीं होती है। भक्ति हम कर रहे हैं किसके लिए, क्योंकि नित्य मेरे नित्य स्वभाव जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये स्वभाव को प्राप्त करने के लिए और उसके माध्यम से भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं और उसी के लिए तो हम आए हैं। फिर भी होता है क्या है, कुछ समय के उपरांत फिर हमें भी ऐसा लगने लगता है कि इस भक्त को ये सब प्राप्त हो रहा है, ये गुरु को ये सब प्राप्त हो रहा है, मैं भी ऐसे बनूंगा, उसके लिए हम भक्ति करना शुरू कर देते हैं और ठगे जाते हैं माया के माध्यम से। इसीलिए इसे मूर्खता कहा गया है। यहां पे कहा जा रहा है भारत वर्ष में जो व्यक्ति जन्म लेता है
who engages. How wonderful such an attainment is. How intelligent are the inhabitants of Bharatvarsha who engage in unmotivated devotional service by hearing about the Lord, chanting his glories and rendering all sorts of service to him. कहा जा रहा है भारतवर्ष में जो जन्म लिया हुआ व्यक्ति इन सारे चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अन्य लोगों से भी बुद्धिशाली है जो सिर्फ भगवान का नाम लेता है और अन्यों को भगवान के नाम के प्रति और भगवान का गुणगान गाता है उसे भी देता है ये दान करता है जो मुझे प्राप्त हुआ है वो दान करता है लोगों को भगवान का नाम कहो भगवान के गुणगान कहो ये करता है और श्रवण करने वाला व्यक्ति भी जो है या नवविधा जो भी नवविधा प्रकार जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्म ये सारे नवविधा जो भक्ति है इनमें से एक चीज को भी अपना लेता है सिर्फ अहितु की अनकंडीशनल मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए भगवत प्रेम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए इस भाव में जो भक्ति करता है तो उसे प्राप्त होता है बट हेतु कुछ प्राप्ति के लिए तो फिर डिफिकल्ट है इस तरह से ये बहुत सुंदर श्लोक है और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इसका तात्पर्य बहुत सुंदर रूप से लिखते हैं तो भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए अहितु की अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हम भगवान की सेवा करने की इच्छा या करना चाहते हैं या कर भी रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये उपलब्धि देवी देवता भी जो है ना इसकी चाह रखते हैं ये सुदुर्लभ है दुर्लभ में से भी दुर्लभ है तो ऐसी भक्ति की इच्छा या ऐसी सेवा की कामना जो है कि मैं सिर्फ भगवान की सेवा करूं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए सो दैट इज अ वंडरफुल डिवोशनल सर्विस तो हम इस तरह की भक्ति करने की इच्छा करना जो स्पेशली भारतवर्ष में जो जन्म लिए है ये सुदुर्लभ है ओके डू यू अंडरस्टैंड समझ में आ रहा है इज इट क्लियर यस जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हरि नाम संकीर्तन की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल